धीरे धीरे दबे पांव खामोशी से स्त्री ने सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तहलका मचा दिया, हर किसी को बोलने के लिए विवश कर दिया जो सोचते थे कि स्त्री खामोश है, स्त्री कुछ कर नहीं सकती। यही मैं जो थंबनेल में आपको दिख रहा है कि खामोश स्त्री ने तहलका मचा लिया, उसी के बारे में बात करूंगी अपनी वीडियो में आज। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम, स्वागत आपका मेरे चैनल नंदी जो में। जय हिंद, जय भारत। थंबनेल में भी जो मैंने दिया है, खामोश स्त्री ने तहलका मचा दिया। खामोश मैंने क्यों कहा, खामोश स्त्री, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के बारे में। मैं हमेशा से उनके बारे में बात करना चाहती थी, बोलना चाहती थी, लेकिन मैं हम बॉलीवुड के बारे में इतना नहीं बोलते कहीं पे भी, इसलिए मैंने इतना समय भी नहीं मिल पाया कि हम उनके बारे में बात करते। लेकिन आज मजबूर कर दिया उन्होंने सभी को। और मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज अच्छों की बोलती बंद कर दी, अच्छे अच्छे बोलने के लिए मजबूर हो गए कि श्रद्धा कपूर वो अभिनेत्री जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे थे, श्रद्धा कपूर ने अपने काम से, अपनी कामयाबी से वो तहलका मचा दिया कि सबको बोलने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम किसे नज़रअंदाज कर रहे थे, जिसका एक से एक बढ़िया काम है उसे तुम नज़रअंदाज कर रहे थे। आज तुम सब बोलने के लिए मजबूर हो गए, क्यों? अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें ये लिखा था कि श्रद्धा कपूर के सितारे आजकल बुलंदियों पे हैं। मैं इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। श्रद्धा कपूर के सितारे हमेशा से ही बुलंदियों पे थे, लोगों ने उन्हें नोटिस नहीं किया, करना ही नहीं चाहा, क्यों? और आज सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा कपूर पूरे इंस्टाग्राम पे प्रियंका चोपड़ा की बात प्रियंका चोपड़ा को बीट करते हुए सेकंड नंबर पे आ गए इंस्टाग्राम पे। ये उनकी लोकप्रियता का अंदाजा है कि इतनी लोकप्रियता उनके इंस्टाग्राम पे पूरे हिंदुस्तान के नंबर के वो दूसरे नंबर पे आ गए। तो एक ने लिखा था कि श्रद्धा कपूर के जो सितारे हैं वो बुलंदियों पे हैं, उसके सितारे हमेशा से ही बुलंदियों पे थे, लेकिन लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की हमेशा। इस बॉलीवुड ने बहुत ही सादगी, बहुत ही विनम्रता, बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ व्यवहार, आज वो उस मुकाम पे आ गई स्त्री टू के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया और हर किसी को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। आज हर दूसरी वीडियो उठा के देख लो श्रद्धा कपूर के बारे में बात कर रहे हैं। आज तक क्यों श्रद्धा कपूर को नोटिस नहीं किया गया, क्योंकि उसको फालतू में दांत फाड़ने नहीं आते, फालतू में कैमरा के सामने जाके अपने नौटंकियाँ दिखाने नहीं उसको नहीं आता, वो फालतू की पार्टियों में जाके दांत नहीं दिखाती, वो कभी एयरपोर्ट पे, कभी जिम के बाहर, कभी नहीं दिखती। उनका काम लाजवाब है। वो डायरेक्टर जो बड़े बड़े निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने उन्हें नोटिस क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने आत्मसम्मान को, अपने चरित्र को बनाए के रखते हुए उन्होंने मुकाम हासिल किया। हर लड़की के लिए प्रेरणा है श्रद्धा कपूर कि तुम अपने आत्मसम्मान को और अपने चरित्र को साफ सुथरा रख के मुकाम कैसे हासिल कर सकते हो बिना किसी चमचागिरी के। जबकि श्रद्धा कपूर भी नेपो किड है, और एक पोस्ट मैंने और देखा था जिसमें ये लिखा है नेपो किड रील स्टार, लेडी सुपरस्टार, ब्लॉकबस्टर, अटेंशन सीकर, नेचुरल एक्टर, ये सब चीज़ें अब लोग नोटिस कर रहे हैं। इससे पहले किसने नोटिस नहीं किया, क्यों? उसकी पहली फिल्म आ रही है स्त्री, तुम्हारे घर के संस्कार कहीं ना कहीं दिखते हैं सामने। नेपो किड का टमगा उन पे इसलिए नहीं लगा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि मेरे अपने पापा को मैंने भी बोला था कि मेरे लिए भी किसी निर्माता या निर्देशक से बात कीजिए, फ़ोन लगाइए, तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से मैंने अपना नाम बनाया है
उसी तरह से तुम भी काम करो, तुम भी अपना नाम बनाओ। तीन पत्तियों में, तीन पत्ती से उन्होंने अपना फिल्मी करियर जो है वो की शुरुआत की है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है, उनसे जब पूछा गया कि तुम बड़े बड़े स्टार्स के साथ क्यों नहीं दिखते, हर किसी को हैरानी थी, जबकि उनके एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। ऐसा नहीं कि उनकी फिल्म ने अभी तहलका मचाया है, आशिकी 2। रॉक ऑन, ABC 2, क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है? ABC 2 में डांस का टैलेंट उन्होंने दिखा, रॉक ऑन उन्होंने किया, गायक की कला की वो माहिर है, एक्शन करके दिखाया उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ, हसीना पारकर जैसी उनकी मूवी है उसमें क्या, हर फिल्म में उन्होंने सिर्फ शोपीस नहीं बने, उन्होंने अभिनय किया है, भले कोई फिल्म चली या नहीं चली उन्होंने फिल्म को साइन किया है कि उसमें कहानी क्या है, उसमें मेरे लिए कुछ है या नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया जब उन्होंने बोला कि तुम बड़े स्टार्स के साथ काम क्यों नहीं करते। श्रद्धा कपूर ने बहुत ही सादगी से उन्होंने बोला कि उस फिल्म में मैं सिर्फ इसलिए हिस्सा नहीं बनूंगी क्योंकि उसमें इतना बड़ा फलाना स्टार है, मैं देखूंगी कि इस फिल्म में अगर ये फिल्म हिट होती है, ब्लॉकबस्टर हिट होती है, तो इसमें मेरे को किस तरह से याद किया जाएगा, कि मेरा करेक्टर उसमें क्या था, मेरा क्या योगदान था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पे सूपेस हूँ, मैं सिर्फ एक गाने के लिए हूँ और दो चार ठुमके लगाने के लिए हूँ, या एक डायलॉग के लिए हूँ, या कोई गंदे सीन के लिए हूँ। बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बेहिचक, बिना किसी डर के। यहाँ पे आप कह सकते हो कि नेपो किड होने के बावजूद हमें कभी नहीं लगा कि श्रद्धा कपूर नेपो किड है, क्योंकि उन्होंने नेपो किड के माध्यम से कोई काम किया ही नहीं, उन्होंने अपने बलबूते पे काम किया, उन्होंने मुकाम अपने दम पे हासिल किया है। अगर बड़े स्टार के साथ काम करके तुम्हें नाम मिलता, तुम्हें सफलता मिलती, तो सबको पता है श्रद्धा कपूर की सबसे पहली फिल्म जो है वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी के साथ थी, जहाँ शायद उन्हें नोटिस किया गया नहीं किया गया हमें ये नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी थे और श्रद्धा कपूर भी थी। अगर ऐसा होता बड़े स्टार के साथ काम करके तुम्हें सिर्फ कामयाबी मिल जाती, तो वहीं मिल जाती उनको कामयाबी। उन्होंने उसके बाद संघर्ष किया, उसके बाद उन्होंने मोहित सुरू ने अपनी फिल्म आशिकी 2 में मौका दिया, और क्या गजब की खूबसूरत, क्या मासूमियत, एक बहुत खूबसूरत उनका किरदार, बहुत ही स्वाभाविक सा उनका अभिनय, कब कहीं से भी नहीं लगती कि वो लाउड हो रही है अपने अभिनय में, बहुत सहजता उनके अभिनय में। एक विलन भी उनकी आई, रॉक ऑन हर चीज़ में उनके अंदर हर टैलेंट कूट कूट के भरा है। आप कह सकते हो कि अगर आपके अंदर का योग्यता है तो आपको किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करो खामोशी के साथ। अगर कोई और स्टार इतना काम कर रहा होता उसको पता नहीं कहाँ पहुँचा देते, उनका कोई पीआर स्टैंड काम नहीं करता, कोई पीआर कभी नहीं हुआ कि उसको इसने ये कर लिया या इसने वो कर लिया। आज उनकी स्त्री 2 ने जब बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया तो हर किसी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। कभी नहीं देखा होगा उनको एयरपोर्ट पे दांत फाड़ते हुए, जिम के बाहर, फालतू की पार्टियों में, उनका इंस्टाग्राम पे आज जो दूसरे नंबर पे रील स्टार बन गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्यों? बहुत सादगी वाला उनका हर अंदाज में अपनी पोस्ट वहाँ पे डालती है, लोग पसंद करते हैं उन्हें। उनकी कामयाबी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जाता है, वहाँ से नहीं कि तुमने एक फिल्म दे दी और फिर तुमने एक आ गए और तुम नेपो किड हो और उसके बाद तुम्हें बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों के बड़े बड़े जो स्टार हैं उनकी तुम चमचागिरी करो, आत्मसम्मान को कुचलो, अपने चरित्र को दांव पे लगाओ, बस किसी तरह से इनके साथ हमें एक स्क्रीन शेयर करने के लिए मिल जाए, बस इतना सा भी रोल मिल जाए हम तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हर लड़की को ये मैसेज दिया है कि अपने दम पे खड़े उठो, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है मेहनत करो भरपूर और निश्चित रूप से कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और मैं फिर से कहूँगी कि जिस भी बंदे ने ये कहा है कि
श्रद्धा कपूर के सितारे आजकल बुलंद पे है, उनको मैं कहूँगी कि आपने आँखों का ऑपरेशन करवाया नीता, शायद आज तुम्हारे आँखों का ऑपरेशन करवा दिया है श्रद्धा कपूर ने, तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने लगा दिया है। नहीं तो श्रद्धा कपूर आज से काम नहीं करे, एक से एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में उन्होंने दी हैं, जहाँ उन्होंने अपने डांसिंग का टैलेंट दिखाया है, अपनी एक्टिंग का, एक्टिंग तो उनके अंदर कूट कूट की भरी थी, बहुत सहजता, पद्मिनी कोल्हापुरी की वो भतीजी है, फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उन्होंने कभी उसका फायदा नहीं उठाया, खुद के दम पे वो उठी। इसलिए मैं जो लोग ये कह रहे हैं कि श्रद्धा कपूर के सितारे बुलंदियों पर नहीं है, आज नहीं है, वो शुरू से ही थी, वो बात अलग है कि लोग उन्हें नोटिस करना ही नहीं चाहे उन्हें। उनकी फिल्मों में जितने भी स्टार आप देखो सब छोटे स्टार हैं, उन्होंने अपने किरदार पे ध्यान दिया कि मेरे लिए कुछ करने के लिए है या नहीं है, अगर ये फिल्म कल को हिट होती है, सुपर हिट होती है, ब्लॉकबस्टर होती है, तो इस फिल्म के अंदर मेरे किरदार को किस तरह से याद किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धा कपूर ने मेहनत की, बहुत ही विनम्रता। इसमें बिल्कुल भी मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि कामयाबी के साथ अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता है तो तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारे करियर को चार चांद लगते हैं। श्रद्धा कपूर उसी का उदाहरण है, उनसे सीखो। जो भी आने वाली पीढ़ी लड़कियाँ हैं, जो भी आने वाले लड़के, तुम्हें चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के अपने आत्मसम्मान को, अपने करियर को, अपने किसी अपने चरित्र को ताक पर लगाने की रखने की ज़रूरत नहीं है कामयाबी के लिए। अगर काबिलियत तुम्हारे अंदर है, मेहनत करो, फल ऊपर वाला देगा, यही तो कहती है गीता। नमस्कार। स्त्री टू की सफलता के लिए श्रद्धा कपूर और उनकी पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और भगवान तुम्हें और कामयाब करे, क्योंकि तुमने एक ऐसा उदाहरण सेट किया है लड़कों के लिए, जो कुछ को तो फर्क पड़ेगा कि हम अपने मेहनत और अपनी काबिलियत के बलबूते तहलका मचाएं, न कि अपने आत्मसम्मान और चरित्र को ताक पे रखें। नमस्कार। श्रद्धा कपूर के बारे में इस तरह के हैं मेरे विचार, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।